अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। इस साल जनवरी से शुरू हुए कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान ने नया मुकाम हासिल करते हुए 100 करोड़ खुराक प्रदान करने का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों ने तेज गति से अभियान चलाकर न सिर्फ टीकाकरण किया बल्कि टीके के प्रति लोगों की झिझक मिटाने के लिए भी मेहनत की। दुनिया ने देखा कि हम एक दिन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन भी लगा सकते हैं और 10 महीने के अंदर 100 करोड़ खुराकें भी दे सकते हैं। यह टीकाकरण अभियान भारत सरकार की कार्यप्रणाली, मेक इन इंडिया उत्पादों की ताकत और हमारे अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने तो टीकाकरण की इस उपलब्धि को भारतीय विज्ञान, उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत करार दिया है। इस अवसर पर आज कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में कश्मीर भाजपा ने डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों को सम्मानित किया। केंद्रीय आयुष मंत्री महेंद्र मुंजपाड़ा आज श्रीनगर में थे, जहां उन्होंने टीका केंद्रों का मुआयना किया और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की भरपूर सराहना की। आइए देखते हैं प्रभा साक्षी से बातचीत में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री, श्रीनगर के भाजपा नेता और चिकित्सा अधिकारी क्या कह रहे हैं। आज मैं जम्मू और कश्मीर का दौरा पे आया हूँ और श्रीनगर में यस्टरडे इवनिंग में आ गया और आज ये बहुत ही अच्छा दिन है कि पूरा देश 100 करोड़ डोज कंप्लीट कर दिया है कोरोना वैक्सीन का। और ये जम्मू कश्मीर ने तो इतना कीर्तिमान स्थापित किया है कि पहला डोज तो 7% सब लोगों को दे दिया है और दूसरा डोज भी करीब 42% लोगों को दे दिया है कोरोना वैक्सीन का। और कोरोना के समय में हमने कितनी जाने गवाई, हम सब उसके साक्षी है। और फिर से थर्ड लहर कोरोना की न आए, इसलिए जो मोदी जी की वजह से आज ये थर्ड डोज या सेकंड डोज का यहाँ मैंने खुद ही ऑब्जर्वेशन किया और यहाँ का पूरा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और पूरी जम्मू और कश्मीर की जनता और सब जर्नलिस्ट लोग, क्योंकि आपका भी बहुत रोल है इसमें कि इसका जो कैनवासिंग है आपके थ्रू ही हुआ कि वैक्सीन लो। तो मैं सब लोगों का थैंक यू भी बोलता हूँ और धन्यवाद भी बोलता हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट सईद वजात हुसैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग से मैं हूँ। तो आज जो ये सिलसिला चल रहा है, 1 करोड़ वैक्सीनेशन हमारे फुल भारत में कंप्लीट हो गई और इसी सिलसिले में आज ये हम हर जगह, हर शहर, हर गली में इस दिन मना रहे हैं। देखिए, जिस बीमारी ने हमें अटैक किया था, वी आर वेरी थैंकफुल टू नरेंद्र भाई मोदी, जिसने सिर्फ 3 दवाइयाँ दी थी। एक तो लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, मास्क और इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है, इससे हमारा मुल्क इसमें देश में कंट्रोल हुआ है। हम शुक्रिया करते हैं नरेंद्र भाई मोदी का और तमाम डॉक्टर हजरातों ने जिन्होंने इसमें भरपूर हिस्सा लिया दिन रात, सिविल और पुलिस का। वी आर वेरी थैंकफुल। आज देश ने एक बहुत बड़ा, मोदी जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई, इसका मतलब है स्वच्छ सेहतमंद भारत। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां बहुत विकसित देश, बड़े बड़े देश ये नहीं कर सके, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया। आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है और इसलिए आज जो फंक्शन थी यहाँ थी, इस खुशी में आज हमने यहाँ जो हमारे एमओएस आयुष भी आए थे, उन्होंने यहाँ इस डॉक्टरों का और पैरामेडिकल फोर्स स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। बेसिकली यही था कि हम मोदी जी और मेडिकल स्टाफ जिन्होंने मेहनत की उनको मुबारकबाद दे रहे थे। ये तो मुबारकबाद की बात है कि क्या कहते हैं, जो हमारे देश में यहाँ पे सबको वैक्सीन उपलब्ध हुआ और ये वैक्सीन मुफ्त था, ये हमारे हर किसी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल था। उसके मजीद भी हमने ये घर घर वैक्सीन लिया, हमारे वैक्सीनेटर घर गए, दुकानों पर गए, कॉलेज में गए, टूरिस्ट प्लेस पर गए, खेतों में गए, पहाड़ों पर गए और हमने ये वैक्सीन लगवाया। उसी मतलब प्रक्रिया में हमने ये जो 100% वैक्सीनेशन 18+ लोगों की है वो हमने कम्प्लीट की। हम अब जल्द ही
भी इंशाल्लाह एक दो महीने में जो हमारा सेकंड डोज है वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। जो ये वैक्सीन हमारा यहाँ पे उपलब्ध हुआ मुफ्त था, उसी वजह से जो इस साल का जो कोविड का सेकंड वेव आनी थी वो नहीं आई। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने, LG सर ने, चीफ सेक्रेटरी ने, हमारे हेल्थ कमिश्नर ने, हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारे DC साहब ने इसमें बहुत ही बड़ी मेहनत की। हमारी हर हफ्ते एक जाँच होती है कि एक हफ्ते में काम कितना हुआ, कितने पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, कितने वैक्सीन लगे, जिसकी मतलब क्या कहते हैं चेयरमैनशिप LG सर खुद करते हैं। ये उसी की वजह से है कि यहाँ हमारी वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई, ये फ्री है। कुछ समय में इस वैक्सीन के खिलाफ थोड़ी हेजिटेंसी थी, मगर जो हमने कैंपेन चलाया इस वैक्सीन के बेनिफिट्स के बारे में वो लोगों को समझ आया तो हमने ये कंप्लीट किया। पिछले साल कोई 800 लोग मर गए थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं किया था, इस साल जिन्होंने सब ने वैक्सीन किया तो कोई किसी की भी डेथ नहीं हुई।